मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तिरंगा अभियान की प्रशंसा की, जिसके तहत राज्य के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी 55 जिलों में पुलिस बैंड उपलब्ध कराया गया है और यह राज्य के लिए गर्व की बात है। मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर में कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है कि वह चर्चाओं का विषय बना रहता है, फिर चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो या प्रशासनिक क्षेत्र में। हाल ही में ग्वालियर के एक स्कूल की छत गिरी। गनीमत यह रही कि उसे उस समय स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं था। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे अब प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश का सिस्टम प्रदेश में अब कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से बारिश में कमी की जा सकती है। आने वाले एक हफ्ते में बारिश में कमी हो सकती है। मध्य प्रदेश के खंडवा में मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई जाने के मामले में 9 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। जांच के बाद खंडवा के 9 प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि 10% से ज्यादा बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स को वापस करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुरहानपुर जिले के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों पर स्वामित्व का दावा करने वाले एमपी बफ बोर्ड के आदेश को खारिज कर दिया है। एमपी बफ बोर्ड ने 19 जुलाई 2013 को यह आदेश में बेगम शुजा का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा, बीबी साहिब के मस्जिद और बुरहानपुर के किले स्थित एक महल को अपनी संपत्ति घोषित किया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लाडली लक्ष्मी, पीएम जन आरोग्य, आयुष्मान भारत, महाकाल विकास समेत 47 विभागों की 125 योजनाओं को मध्य प्रदेश सरकार ने रोक दिया है। ये वही योजनाएं हैं जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने शुरू किया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चौंकाने वाली खबर है। यहां 7 अगस्त को सबसे सुरक्षित और पॉश इलाके में विधायकों, मंत्रियों, सांसदों के लिए बने रचना टावर अपार्टमेंट में 12 लाख रुपए की लूट हो गई। यह लूट रचना टावर के फ्लैट नंबर MI 108 में हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की और हर घर तिरंगा अभियान और रक्षा बंधन के आयोजन के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान और 15 अगस्त को जन उत्सव के रूप में मनाया जाए। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा इंदौर और जबलपुर शहरी क्षेत्र में नगर वन विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से तेजी से कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2024 से 25 की कार्य योजना में नगर वन विकसित करने संबंधित प्रस्ताव रखा गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में परिजनों के साथ बाजार आई 6 साल की मासूम गुम हो गई। परिजनों ने उसे तलाश किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस के पास पहुंचे और घटना की जानकारी दी।